तो हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन देख रहे थे? लॉजिकल इंस्ट्रक्शन देख रहे थे, राइट। तो उसमें हमने सारे इंस्ट्रक्शंस देख लिए थे। तो जो आपका लास्ट इंस्ट्रक्शन बाकी था, दैट इज अ रोटेट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। रोटेट इंस्ट्रक्शन हमारा बाकी था, तो ये आज हम देखेंगे कि रोटेट इंस्ट्रक्शन में होता क्या है, ठीक है। तो देखो, रोटेट इंस्ट्रक्शन जो भी होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, आपका ये पॉसिबल किसके लिए होता है? सिर्फ आपके अक्यूमुलेटर के लिए ही पॉसिबल होता है, ठीक है। अक्यूमुलेटर के लिए सिर्फ ये पॉसिबल होता है। और इसमें क्या होता है, आपका जो कैरी फ्लैग होता है, राइट, यही सिर्फ अफेक्टेड होता है। इसके अलावा बाकी के जितने फ्लैग्स हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें क्या होगा, जो आपका कैरी फ्लैग है वो अफेक्टेड होगा और बाकी के जितने भी फ्लैग्स होंगे वो अनअफेक्टेड रहेंगे, एंड ओनली ओनली पॉसिबल विद द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। जो भी आपका ये रोटेट ऑपरेशन है आप किसके साथ सिर्फ परफॉर्म कर सकते हो, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर के साथ ही सिर्फ परफॉर्म कर सकते हो। तो रोटेट इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होते हैं, आरएलसी, ठीक है, आरएसी, आरआरसी और आरएआर, ठीक है। ये चार इंस्ट्रक्शन ही पॉसिबल होते हैं इसमें, और ये सारे क्या होंगे, आपके वन बाइट इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। पहले हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। आपका आरएलसी अगर लिखा हो तो क्या मतलब होगा, आरएसी लिखा हो तो क्या मतलब होगा, ठीक है। तो देखो, यहां पे जो आपका है आरएलसी, इसका मतलब क्या है, आर यहां पे क्या है, रोटेट, एल का मतलब क्या है आपका लेफ्ट, एंड सी का मतलब क्या है, विदाउट कैरी। तो इसका क्या हो जाएगा, रोटेट द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर वन बिट लेफ्ट विदाउट कैरी, ठीक है। रोटेट द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर वन बिट लेफ्ट विदाउट कैरी, हमें क्या करना होगा, जो भी कंटेंट का जो भी वो है आपका डेटा है, सॉरी अक्यूमुलेटर का जो भी डेटा है उसे क्या करना पड़ेगा, हमें वन बिट लेफ्ट मूव करना होगा विदाउट कैरी, ठीक है। अगर आपका आर ए एल लिखा हो, आर क्या हो जाएगा आपका रोटेट, एल का मतलब अक्यूमुलेटर, ठीक है, और ए का मतलब अक्यूमुलेटर, एल का मतलब क्या हो जाएगा लेफ्ट। तो रोटेट द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर वन बिट लेफ्ट विथ कैरी, इसमें हम क्या करेंगे, आपका कैरी के साथ जो भी आपके अक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसे एक बिट वन बिट लेफ्ट हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है, रोटेट करेंगे वन बिट। तो समझ गए आरएलसी का मतलब क्या होता है, आरएलसी और आरएएल, ठीक है। तो देखो, जो हमारा फोर्थ है, थर्ड है, वो क्या है आपका आरआरसी। आरआरसी का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, रोटेट द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर, ठीक है, वन बिट राइट विथ विदाउट कैरी, ठीक है। जो भी आपके अक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट है उसे हमें कहाँ क्या करना है, वन बिट राइट आपको क्या करना है, रोटेट करना है विदाउट कैरी, ठीक है। फोर्थ क्या है आपका आरएआर, इसका मतलब क्या है, रोटेट द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर वन बिट राइट विथ कैरी, ठीक है, कैरी के साथ उसे क्या करना है आपको वन बिट लेफ्ट मूव करना है, सॉरी राइट मूव करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपके, ये चार जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या आपका आरएलसी, ठीक है। अगर आप क्या करना चाहो, आरएलसी जैसे ही आप लिखोगे इसका मतलब क्या है कि जो भी है, रोटेट द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर वन बिट लेफ्ट विदाउट कैरी, ठीक है। विदाउट कैरी आपको क्या करना है, आपके अक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट है उसे वन बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, मान लो कि अक्यूमुलेटर में कोई डेटा है, क्या आपका, आपने स्टेटमेंट लिखा हो, तो अक्यूमुलेटर में आपका क्या है 96 और आपका जो कैरी है वो क्या है 0, ठीक है। तो कैसे आप वन बिट इसे लेफ्ट कैसे शिफ्ट करोगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स एंड डी सेवन, ठीक है, ये सारे डी हैं। तो देखो, आप क्या करना होगा, जो आपका 96 है उसे आप कैसे लिख सकते हो, वन जीरो जीरो वन, ठीक है, जीरो वन वन जीरो, ये तो पता है। अब आपको क्या करना होगा, जितने भी बिट है उसे वन बिट लेफ्ट शिफ्ट करना होगा, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये जो जीरो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है एलएसबी और ये हो जाता है आपका एमएसबी,
LSB का मतलब क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो सबसे पहला वाला हो जाएगा, पहला बिट होगा वो क्या हो जाएगा MSB, और जो दूसरा बिट होगा वो क्या हो जाएगा LSB हो जाएगा आपका। तो क्या करना है, इस जो भी एक एक बाइट है उसे लेफ्ट आपको शिफ्ट करते जाना है। तो जीरो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ये वन यहाँ पे आ जाएगा, ये वन यहाँ पे आ जाएगा, ये वन जीरो यहाँ पे, ये वन यहाँ पे, ये जीरो यहाँ पे, ये जीरो यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो वन है ये कहाँ पे आ जाएगा आपके, इस बिट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बताओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वन, ठीक है। और क्या होता है, ये जो आपका बिट है D7, ये कहाँ पे भी एक और जगह कॉपी होता है। आपका जो कैरी था वो पहले से क्या था, जीरो था, अब क्या हो जाएगा आपका कैरी वन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, RLC जो भी इंस्ट्रक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2D, तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2DH, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो भी आपका रोटेट इंस्ट्रक्शन है वो परफॉर्म करते हैं।